एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। भगवा कपड़ा माला पहनकर खाना परोस रहे ट्रेन के वेटर, गौरव तुली पर एफआईआर, मराठी नहीं पढ़ाने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। आईआरसीटीसी के ओर से एक नई यात्रा की योजना बनाई जा रही है। दरअसल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी की ओर से रामायण यात्रा के लिए रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जा रही है। एक ट्रेन 7 नवंबर को शुरू की गई थी, दूसरी ट्रेन 12 दिसंबर से शुरू होगी, जिसकी बुकिंग अभी जारी है। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को भगवान राम से जुड़े 15 स्थलों के दर्शन कराए जाने हैं। इस दौरान यह विशेष ट्रेन करीब 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई यूजर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यह अयोध्या रामेश्वर रामायण सर्किट एक्सप्रेस के रेस्टोरेंट का है। इसमें कुछ यात्री जहाँ खाना खाते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ वेटर भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। अगली खबर, चर्चित गौरव टुली द्वारा बिल्डर एन कुमार के कर्मचारियों से मारपीट धमकाए जाने का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने गौरव टुली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 दिन बाद भी गौरव पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बिल्डर एन कुमार बैरामजी टाउन के पूनम ऐश्वर्य में रहते हैं। बताया जाता है कि इसी परिवार में गौरव टुली रहता है। उनका एन कुमार और उनके कर्मियों से पहले भी विवाद हुआ है। एन कुमार का अपने बंगले के सामने खाली प्लॉट है। 12 नवंबर को गौरव ने प्लॉट का गेट तोड़ दिया, वहां अपनी कार पार्क कर दी। एन कुमार के सिक्योरिटी सुपरवाइजर दिनेश चतुर्वेदी ने गौरव को ऐसा करने से रोका। इससे आग बबूला होकर गौरव मारपीट करने लगा। वह चाकू लेकर चतुर्वेदी के पीछे भागा। चतुर्वेदी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इस घटना से परिसर में तनाव हो गया। चतुर्वेदी ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता धारा 294, 506 ब तथा 447 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके भनक लगते ही गौरव फरार हो गया है। अगली खबर, राज्य शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समेत अन्य शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में मराठी विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। विषय का अध्यापन नहीं करवाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई कर जुर्माना देना पड़ सकता है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा निदेशक दिनकर टेमकर ने एक आदेश जारी किया है। इसमें विभागीय शिक्षण उपसंचालक को निर्देश दिए गए हैं कि मराठी विषय नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल राज्य सरकार ने गत वर्ष ही राज्य शिक्षा बोर्ड समेत सभी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को इस फैसले को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 में कक्षा पहली व कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए मराठी विषय को अनिवार्य किया गया। टेमकर ने निर्देश में कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर मराठी भाषा का अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करने को लेकर जारी किए गए अधिनियम 2000। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।